कैमरास, 5 सेंसर्स, 6 माइक्रोफोन्स, 3D 4K डिस्प्लेस, टन्स ऑफ इंफ्रारेड सेंसर्स, 2 प्रोसेसर्स एंड 3.5 लाख रुपए का प्राइस, वर्थ इट है और इट्स जस्ट अनदर टेक क्रैप? और अगर वर्थ इट है तो ये कैसे चेंज करेगा हमारी AR VR इंडस्ट्री को, और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कैसे चेंज करेगा हमारी डेली लाइफ को, या फिर ये हमारे स्मार्टफोन्स की रिप्लेसमेंट बनेगा या फिर हमारे वर्क स्टेशन की या एंटरटेनमेंट की, एंड हाउ एप्पल अचीव्ड दिस और इसके क्या है नेगेटिव्स हमारी लाइफ के ऊपर, बात करेंगे आज इन सभी सवालों के बारे में। सो हेलो फ्रेंड, दिस इज योर फ्रेंड राघव एंड आई एम वेलकमिंग यू ऑन योर ऑन चैनल ज्ञान वायर। I would live here. This is why. For that alone. Oh my goodness, that was. So सबसे पहले बात करते हैं AR और VR इंडस्ट्री के बारे में और Apple इसको कैसे चेंज करने वाला है। So बहुत सारे लोग बोलते हैं कि Apple ने अब इनोवेशन करना छोड़ दिया है, या फिर Apple अब इनोवेट नहीं कर पा रहा है कोई नए प्रोडक्ट्स को, या फिर वो रेवोल्यूशनाइज नहीं कर पा रहे इंडस्ट्री को। So, क्या आप इसको एक इनोवेशन के तौर पे देखते हो? आई थिंक एप्पल शुरू से इनोवेशन से ज्यादा प्रॉब्लम पे फोकस करता आया। उन्होंने 80s में एक प्रॉब्लम को देखा कि कंप्यूटर्स में हर काम को करने के लिए एक कमांड को टाइप करना पड़ता है, जो बहुत सारे लोगों के लिए कन्वीनियंट ऑप्शन नहीं है। सो उन्होंने पॉइंट एंड क्लिक को इंट्रोड्यूस किया, जो उनकी अपनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने देखा कि ब्लैकबेरी और नोकिया जैसे फोन्स में जो बिजनेसमैन यूज कर रहे हैं, मेल्स वगैरह सेंड तो कर पा रहे हैं लेकिन टाइपिंग इज अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है, टाइप नहीं कर पा रहे वो लंबी मेल्स को, उनको ये दिक्कत आ रही। तो उन्होंने आईफोन्स में मल्टी टच को इंट्रोड्यूस किया, जो अगेन उनकी खुद की टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिंगर वर्क्स की टेक्नोलॉजी थी जो उन्होंने एक्वायर किया। सो अगेन सेम केस विद AR एंड VR टेक्नोलॉजी। तो AR और VR की अगर बात की जाए, मेटा क्वेस्ट और PSVR एक बड़े ऑप्शन सामने निकल के आते हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का HoloLens 2 है, वेरिया XR3 है। सो मेटा क्वेस्ट और PSVR जो है वो मेनली फोकस है गेमिंग पे या एंटरटेनमेंट पे, ठीक है। सो बेसिकली VR पे फोकस करते हैं और विद सटल टचेस ऑफ AR मैं कहूंगा, लेकिन इनमें जो AR आपको देखने को मिलता है वो बहुत ही ग्रेनी इमेजेस देखने को मिलती है, या ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस देखने को मिलती है, जो ऑब्वियसली रियलिटी से बहुत अलग है, ठीक है। हम नेकेड आई सी जो रियलिटी देखते हैं वो एक्सपीरियंस हमें बिल्कुल भी नहीं मिलता, नॉट इवन क्लोज मैं कहूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए वेरिया XR3 की या HoloLens 2 की, तो वो बेसिकली फोकस है प्रोडक्टिविटी पे, AR पे, ऑगमेंटेड रियलिटी तो आपको उसमें मिल जाती है, बहुत क्लियर इमेजेस मिलती है आपको रियलिटी की, बिकॉज ऑब्वियसली वो ग्लास है, ठीक है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम आ जाती है VR की, VR एक्सपीरियंस आपको नहीं मिल पाता है। तो पूरी दुनिया में बहुत ही कम लोगों को इसको ट्राई करने का मौका भी मिला है, और जिन्होंने ट्राई किया है उनका कहना है कि एप्पल ने इसमें एक्सेल किया है, इंजीनियरिंग मार्वल है। इज द क्लोजेस्ट थिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड टू लाइक मैजिक, लाइक आई नॉर्मली डोंट कॉल टेक थिंग्स सॉर्ट ऑफ मैजिकल और सरियल लाइक दिस, बट दिस वाज इवन फॉर अ प्री रिलीज प्रोडक्ट kind of unbelievable how well it does. Moving around the windows, I had messages pulled up, FaceTime, Safari is so easy. You just look at the bottom bar, you grab it, you move it. You can move it in the X or Y space, the Z space, and it works so well. So I was actually very surprised by the intuitiveness of it. Apple आपको isolation में नहीं लेके जाना चाहता है, लेकिन इसको एक social experience बनाना चाहता है, आप अपनी family और friends के साथ इसको enjoy कर सके, और इसमें clearly Apple का भी फायदा है। बट हाउ एप्पल अचीव्ड दिस, लेट्स टॉक अबाउट इट। सो पहले तो एप्पल ने रिक्रूट किया बहुत सारे इंजीनियर्स को जो इंडिविजुअली AR और VR पे काम कर रहे थे या अदर कंपनीज के साथ काम कर रहे थे, लेकिन ये तो ऑब्वियस था। लेकिन उसके बाद एप्पल ने एक्वायर किया बहुत सारी AR और VR कंपनीज को, और इसमें से सबसे बड़ी एग्जांपल थी नेक्स्ट VR, जिसका नाम शायद आपने प्रोबेबली सुना होगा। सो प्रोबेबली एप्पल बहुत सारे सालों से इस पे काम कर रहा था, और उन्होंने अपने जो डेवलपर्स हैं उनको भी इसमें सीक्रेटली रेडी किया मैं कहूंगा इस टेक्नोलॉजी के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अदर प्रोडक्ट्स में उन्होंने अपने वही टेक्नोलॉजीज को ऐड किया और उससे फीडबैक लिया और डेवलपर्स को भी रेडी किया। जैसे लाइडर टेक्नोलॉजी को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपने प्रो आईफोन्स में, लाइडर सेंसर को। ज्यादातर लोग आईफोन्स में लाइडर को यूज नहीं करते हैं, लेकिन डेवलपर्स ने बहुत सारी ऐप डेवलप की है लाइडर के लिए। सो सबकॉन्शियसली वो रेडी हो गए लाइडर टेक्नोलॉजी के ऊपर एप्स को डेवलप करने के लिए।
हेड ट्रैकिंग को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हेडफोन्स में अपने एयरपोर्ट्स में, ठीक है। क्लियरली हेड ट्रैकिंग का ज्यादा रिच एक्सपीरियंस हमें विजन प्रो में देखने को मिलेगा। सीरी की स्पीच रिकॉग्नाइजेशन को एप्पल ने बहुत बेटर किया, अगर आप अपने आईफोन में भी सीरी को यूज करके देखेंगे आपको ये चीज रियलाइज होगी। उसके बाद इनसेन अमाउंट ऑफ हार्डवेयर एप्पल ने यूज किया जो इसमें, तो सबसे पहले अगर डिस्प्लेस की बात की जाए तो एलईडी डिस्प्ले यूज किए, माइक्रो एलईडी डिस्प्ले यूज किए जिसमें उन्होंने 23 मिलियन पिक्सल्स को ऐड किया है, और ये 64 टाइम्स ज्यादा पिक्सल्स है आपकी प्रो आईफोन की डिस्प्ले से, इट्स इवन हार्ड टू इमेजिन। केवल 5000 निट्स की ब्राइटनेस, अगर मैं कंपैरिजन के लिए बताऊं तो आपके प्रो आईफोन में 1700 निट्स की ब्राइटनेस आती है, ठीक है। और अगर एआर और वीआर की बात की जाए तो मेटा क्वेस्ट 2 में सिर्फ 100 निट्स की ब्राइटनेस है, ठीक है, और PSVR में 250 निट्स की, 250 निट्स की, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 5000 निट्स ऑफ ब्राइटनेस। सो क्लियरली एप्पल इज वे अहेड। सो उसके बाद बात करते हैं प्रोडक्टिविटी और इंटीग्रेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, जो जिसके लिए एप्पल हमेशा जाना जाता है, और इसके लिए भी एप्पल ने विजन OS डेवलप किया है स्पेशली फॉर दिस डिवाइस, ठीक है, जैसे वो अपने अदर प्रोडक्ट्स में भी करते आए लाइक वॉच OS और iOS। सो अकॉर्डिंग टू डिस्प्ले एनालिसिस बात की जाए, इस लेवल की पिक्सल डेंसिटी और हाई ब्राइटनेस लेवल आपको ब्लाइंड नहीं करेंगे, रादर आपको शार्प टेक्स्ट मिलेंगे, सुपीरियर कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिलेगा जिसकी वजह से आप आर्टिकल्स वगैरह को अच्छे से रीड कर पाओगे और साथ में टाइपिंग कर पाओगे बहुत स्मूथली, ठीक है। और इसमें दो एप्पल ने चिप्स यूज किए हैं, दो प्रोसेसर्स को यूज किया है, पहला तो M2 लेवल का मेन प्रोसेसर जो है जो सारी हैवी टास्क और जो है कैलकुलेशंस वगैरह करेगा, ऑब्वियसली M2 के परफॉर्मेंस की बात करने की हमें नीड नहीं है, उसका बेंचमार्क ऑलरेडी सेट है। सो अगर सेकंड चिप की बात की जाए वो है R1 जो स्पेशली डिजाइन की गई है विजन प्रो के लिए, तो ये 12 ms की स्पीड से इमेजरी को ड्राइव करती है जो 8 टाइम फास्टर है ह्यूमन आई ब्लिंक से। सो ऑब्वियस है आपको मोशन सिकनेस बिल्कुल भी फील नहीं होगी, जो एक ह्यूज बैरियर है। ईयर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद बात आती है हाउ टू यूज दिस डिवाइस, अदर जो VR हैंडसेट्स है वो ऑब्वियसली कंट्रोलर से यूज करते हैं, लेकिन एप्पल है वो थोड़ा डिफरेंट ही जाएगा। सो उन्होंने यूज की आई ट्रैकिंग, जो अगर खराब इम्प्लीमेंट होती तो बहुत बहुत बैकलैश आता है एप्पल को, लेकिन आई ट्रैकिंग एप्पल की सबसे हाईलाइटेड फीचर बन चुका है। आप पूरे UI को आई ट्रैकिंग से कंट्रोल कर सकते हैं, हैंड मूवमेंट से कंट्रोल कर सकते हो और स्पीच से कंट्रोल कर सकते हो, सिर्फ बोलने से कंट्रोल कर सकते हो। एनी टाइम यू मूव योर आईज अराउंड द UI, इट वुड इमीडिएटली हाईलाइट एंड सेलेक्ट एग्जैक्टली व्हाट यू आर लुकिंग एट, नो मैटर हाउ स्मॉल द टारगेट वाज और व्हाट यू आर लुकिंग एट। एंड देन व्हेन यू वांट टू सेलेक्ट समथिंग, ऑल यू डू इज टेक योर फिंगर्स लाइक दिस एंड जस्ट टच देम टुगेदर, दैट्स हाउ यू क्लिक। सो यू लुक एट समथिंग, क्लिक, look at something, click. इसे प्रिसाइजली करने के लिए एप्पल ने एलईडी इल्यूमिनेटर्स और आईआर कैमरास का यूज किया जो आपके आईबॉल्स को रीड करता है और यूआई को मूव करता है। सो व्हाट अबाउट एआर? सो उसके लिए एप्पल ने 3D कैमरास और लाइडार का यूज किया डिवाइस की आउटसाइड पे, जो डेप्थ को डिटेक्ट करते हैं, आपके हैंड मूवमेंट्स को डिटेक्ट करते हैं, डिवाइस से आपके हैंड्स के बीच की डिस्टेंस को डिटेक्ट करते हैं, और साथ में सराउंडिंग का एक 3D व्यू मिलता है जिसके बीच में एप्स को पुट किया जाता है। सो एक क्लियरली आप अपने रूम में या अपनी सराउंडिंग में जहां भी आप हो वहां पे आप क्लियरली एप्स को देख पाते हो, उनको यूज कर पाते हो UI को, और उसको मूव कर पाते हो विद योर आई ट्रैकिंग, विद योर हैंड मूवमेंट्स एंड स्पीच। सो बहुत ही इमर्सिव एक्सपीरियंस ये आपको देने वाला है। उसके बाद बात करते हैं एंटरटेनमेंट की। सो इतना सुनने के बाद आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको एंटरटेनमेंट के बारे में तो वरी करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, बिकॉज जो डिवाइस प्रोडक्टिविटी में और अपनी टेक्नोलॉजी में इतनी आगे है, इतनी इमर्स एक्सपीरियंस दे रही है, सो उसके लिए आपको मूवी दिखाना कोई बड़ा काम नहीं है। सो उसके लिए आपको 3-4K डिस्प्ले दी जाती है, जी हाँ, एक डिस्प्ले आउटसाइड दी जाती है, वो भी एक डिस्प्ले है, रादर आपको लगेगा कि ट्रांसपेरेंट ग्लास है, वो डिस्प्ले आप अदर पर्सन को आपकी लाइव आईज का व्यू देती है, लोगों के लिए क्रिंच हो सकता है। Then 2-4K micro LED displays और amazing sound with head tracking आपको isolation में ना लेके जाके एक theater like experience देगा। And if you want isolation and theater like experience, move the ground and voila, then you get theater like experience in between traffic on a back seat obviously or in crowd whatever wherever you want. According to Mr. Sterling Crisper, जो Apple के ex employee रहे neurotechnology prototyping पे वो काम करते रहे, उनके शब्दों में अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि he dedicated 10% of his whole life to developing this product and this product is culmination of whole industry in a single product and sir
I agreed. This thing is insane, bro. For a first gen product, it's insane. But there is a big but. Not that, but obviously, every product has its flaws, and same with this. ठीक है, अब बात करते हैं negatives के बारे में. क्या negatives product के हैं और क्या negatives हमारी life के ऊपर इसके आने वाले हैं. So अगर product की बात की जाए तो it's heavy. It's around 400 to 500 gram weight जो आपको अपने face पे wear करना है और it's made with high strength aluminum और aluminium with combination of glass. So ये product को rigidity देता है. बहुत अमेजिंग बिल्ड क्वालिटी देता है जो ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट करते हैं एप्पल से, बट टू टाइम्स हैवियर देन अदर वीआर हेडसेट्स. सो डबल हैवी हो जाता है. जो अदर वीआर हेडसेट्स है वो चाहे अच्छी क्वालिटी में है लेकिन प्लास्टिक से बने होते हैं. ठीक है, लेकिन इसके लिए एप्पल ने बहुत अच्छा हाई क्वालिटी बैंड दिया है, ब्रॉडर बैंड दिया है. अब वो कितना सपोर्ट कर पाता है ये तो हम पहनने के बाद में बता पाऊंगा. तो लाइट करने के लिए सेपरेटेड बैटरी दिया है अपन, क्योंकि अगर बैटरी इंक्लूड कर दी जाती तो प्रोडक्ट वेट बहुत ज्यादा इंसेनली हैवी हो जाता प्रोडक्ट. लेकिन सेपरेटेड बैटरी बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, बट उससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है वो सिर्फ 2 hours का बैटरी बैकअप देती है. अगर एप्पल चाहता है कि हम इसे प्रोडक्टिविटी एंटरटेनमेंट हर जगह यूज कर पाएंगे, AR और VR दोनों को यूज करें साथ में, मतलब बहुत सारे टाइम के लिए हम इसे यूज करें, सो 2 hours बैटरी बैकअप बहुत कम है. हाँ, फ्यूचर में बैटरी बैकअप अच्छा हो पाएगा इसका, लेकिन उससे अच्छे मैं अभी कह सकता हूँ एक इंस्टेंटली जो सोल्यूशन एप्पल दे सकता था इसके साथ, जो उसकी केबल है बैटरी बैक के साथ वो डिटैचेबल होगी. सो अगर आप नोटिस करोगे तो केबल डिटैचेबल नहीं है, जिसकी वजह से हम कोई और बैटरी बैक यूज नहीं कर सकते. लाइक हम कोई अगर पावर बैंक यूज कर सकते थे 10,000-20,000 mAh का, अगर इस किसी को जेब में कैरी करने में दिक्कत नहीं है, चाहे वो फिर सिर्फ लाइटनिंग पोर्ट के साथ आता, बट हमारे पास एक ऑप्शन रहता. ठीक है, उसके अलावा अगर बात की जाए फेस टाइम, एक बड़ी दिक्कत है तो एप्पल के अकॉर्डिंगली आपको फेस टाइम के लिए भी इसको यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्मार्टफोन को रिप्लेस करोगे तो आपको फेस टाइम करना पड़ेगा और आप इसको फेस पे पहनना है तो कैसे यूज करोगे. जैसे कि मैंने बताया IR सेंसर और 3D कैमरास जो आपके फेस का एक 3D व्यू तैयार कर देंगे, और हर बार जब आप फेस टाइम करोगे तो IR सेंसर्स आपके आईज को रीड करेंगे, आपके कॉर्निया को मूवमेंट्स को डिटेक्ट करेंगे और एक वीडियो शो करेंगे सामने वाले पर्सन को आपके फेस की. ठीक है, सो वो देखने में अभी के लिए बहुत ही वियर्डली लुक आ रही है उसमें, सो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है. उसके बाद अगर अब हम बात करते हैं कंक्लूजन पे जाते हैं और इसके क्या हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट हो सकते हैं वो उनके बारे में बात करते हैं. कंक्लूजन में लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा यहाँ पे. देखो AR और VR की मार्केट जो है ना वो बहुत ही हार्ड टू ब्रेक इन मार्केट है. ठीक है, एप्पल ने एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार किया है विद अ सॉलिड प्रोडक्ट, बट उसके बाद एप्पल को कन्विंस करना पड़ेगा लोगों को कि जो टेक्नोलॉजी का आप बचपन से ड्रीम देखते आए हो वो आपके सामने है, बट आर यू रेडी टू यूज इट. और ये जस्ट एक अनदर एडिक्शन बन जाएगी लोगों के लिए, या स्मार्टफोन की तरह, या आइसोलेशन की प्रॉब्लम आएगी, वो एप्पल के लिए एक बड़ी चैलेंज सामने आएगी. एप्पल को लोगों के परसेप्शन को चेंज करने की जरूरत है, जो उन्होंने स्टार्ट कर दिया अपने इस इवेंट से ही. दैट आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो, दैट गोना बी इंटरेस्टिंग. सो सब्सक्राइब द चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक रहिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विद ज्ञान.